शताब्दी समारोह मनाया गया। पूरे पटना की राजनीति गलियारे पूरी तरह से गर्म थी, क्योंकि उससे पहले ही केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर भारत रत्न देने के लिए घोषणा कर दिया। इसके बाद से लगातार जेडीयू और आरजेडी के द्वारा दावा किया जाने लगा कि हमने प्रयास किया, हम लगातार मांग कर रहे थे। और आरजेडी और जेडीयू ने भी कल कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह मनाया और काफी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन अब यही मामला रुकता नहीं है, अब काशी राम के लेकर अब देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। पूरा मामला हम बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर की भारत रत्न देना तो झांकी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा काशी राम बाकी है, ऐसे पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है। और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्लोगन लिखे गए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न तो झांकी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा काशी राम बाकी है। इसके बाद आप देखिए दूसरे तरफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अथक प्रयास के संघर्ष का परिणाम जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना है। और इसके साथ आप देखिए कि एक तरफ तेजस्वी यादव है, जगदानंद सिंह है बीच में, लालू प्रसाद यादव है, ऊपर एक स्लोगन लिखा गया है सांप्रदायिकवाद अधिवायकवाद एवं पूंजीवाद के आगे समाजवाद की जीत की बधाई। यानी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने को लेकर जीत की बधाई दिया जा रहा है समाजवाद को। और इसके साथ आप देखिए कि कल जो भी कार्यक्रम हुए पूरे पटना में जेडी और आरजेडी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा किया गया, इसमें तमाम जो पार्टियां हैं तीनों प्रमुख पार्टियां हैं बिहार के और दिनों अपने आप को इसमें आगे बता रही है। काशी राम का और जो वारिस है अगला लालू प्रसाद यादव है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है, तो वहीं भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी सरकार है केंद्र में, तो हमने अति पिछड़ा और कर्पूरी ठाकुर को याद किया और भारत रत्न दिया। और इसके बाद अब देखिए नया मांग उठने लगा है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो काशी राम को लेकर भी अब भारत रत्न देने की मांग करी, तो वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी भारत रत्न देने की मांग करी है। तमाम तरह की मांगे आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। और कल लालू प्रसाद यादव भी मंच से बोले कि काशी राम और राम मनोहर लोहिया को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, वहीं बात तेजस्वी यादव ने भी दोहराया। और आज आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाकर राजनीतिक गलियारे में सनसनी फैला दिया गया है। और अब ये चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनावी एजेंडा होती है और चुनावी एजेंडों में एक आरजेडी के द्वारा ये भी अब शामिल कर लिया गया है। अपने सहयोगी डब्ल्यू के साथ पटना 35 के लिए।